हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, बिंदास चल रही होगी। दोस्तों, बात चल रही है अपने यूपीएससी की, बात अगर की जाए कंप्लीट कोर्स मैं एक आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके इंडियन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आपके ये वाला पार्ट जो है जितना मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है उतना ही वेटेज आपके, चाहे प्रीलिम्स की बात की जाए चाहे मेंस की बात की जाए, उसी के सिमिलर लगभग इतने क्वेश्चन आपसे इस वाले पार्ट में से भी पूछे जाते हैं। और ये इसमें मैं क्या क्या आपको करवाने वाला हूँ इसकी अगर बात की जाएगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था हम इस कोर्स में आपके पढ़ने वाले हैं, जैसे आपके जो विजुअल आर्ट्स आती हैं जिसमें इंडियन आर्किटेक्चर जो है, इंडियन स्कल्पचर है, इंडियन पेंटिंग है, और आपके यहाँ पर दोस्तों इंडस सिविलाइजेशन में जो आपके आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये वाले टॉपिक मैं अब तक करवा चुका हूँ। और अब आप कहेंगे सर ये टॉपिक आपने करवा दिए तो हमारे क्या बेनिफिट होगा? अगर आप ये कोर्स अभी भी ज्वाइन करते हैं और ख़ुद को इनरोल करते हैं तो पीछे की क्लासेज जो हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं, और ऑफलाइन लाइव क्लास तो आपकी रहेगी रहेगी और ऑफलाइन वीडियो भी आपके पास में सेव रहेगा, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सैंधव मूर्ति कला, इंडस स्कल्पचर जो रहा, और बुद्धिस्ट स्कल्पचर, गुप्ता स्कल्पचर, आपके मिडाइवल स्कूल ऑफ स्कल्पचर और मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, मतलब आप आधुनिक भारतीय मूर्ति कला, ये वाले टॉपिक भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपका है इंडियन पेंटिंग, जो आपने देखा होगा हाल फिलहाल के एग्जाम पेपर आपने प्रीवियस ईयर के देखे होंगे, इस वाले पार्ट में से भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। वॉल पेंटिंग आता है, मिनिएचर पेंटिंग जो आपका लघु चित्रकारी है, और मॉडर्न पेंटिंग जो आपकी आधुनिक चित्रकला है। और आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स आते हैं, जो आपके डांसेज ऑफ इंडिया है, म्यूजिकल ऑफ इंडिया, थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया, पपेट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। म्यूजिक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया, भारत की कठपुतली कला, ये भी सारे अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। फिर लिटरेचर आर्ट, लिटरेचर जो आपका है मतलब साहित्य कलाओं की अगर बात करेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जैसे प्राचीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक भारतीय साहित्य, ये भी आपके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अभी मैंने ये बताया कि ये वाला कोर्स जो है ये मेरा अभी रनिंग है और कहाँ पर है, अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैंने ये बताया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने से पहले अगर आप प्रवीण 11 रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इसका क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब ज्वाइन कैसे करें इसकी बात अगर की जाएगी तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है ये डाउनलोड करना होगा, और इसके बाद में इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आपका चूज योर गोल मतलब आपका जो लक्ष्य है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे जैसे यूपीएससी, और यूपीएससी सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, और गेट सब्सक्रिप्शन प्लस पे जाते ही आपके सामने फीस आएगी वन मंथ की, जैसे आपके 8000 यहाँ पर लिख रखी है, और फिर अगर बात करेंगे 3 मंथ्स की 20,000 जो है आपके 3 महीने की, जो पर मंथ आपका 6,600 कुछ रुपए पड़ेगा। 6 मंथ की अगर बात करते हैं 32,000 आपकी है, और 12 महीने मतलब 1 साल की अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 40,000 रुपये जो है ये आपकी फ़ीस रखी गई है। और इसमें भी एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि अगर आप रेफरल कोड के रूप में यहाँ पर प्रवीण 11 अगर टाइप करते हैं और प्रवीण 11 रेफरल कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी इस फीस में आपको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रवीण 11 रेफरल कोड आपको यूज़ करना है। जो आपकी फ़ीस यहाँ पर 8,000 थी, ये आपके रेफरल कोड लगाने के बाद में कितनी हो जाएगी, 7,200 मतलब आपके 7,200 रुपये आपकी ये फीस यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए है यूपीएससी के लिए, और ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस लेवल तक की अगर बात करेंगे, ये मेंस में भी आपसे इस वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार आपसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आप अवश्य ज्वाइन करेंगे। इसके साथ में मैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 जो है वो भी आपके लिए इसी चैनल के ऊपर अभी अनअकैडमी के ऊपर जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो गाइस उम्मीद करूंगा काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपसे मुलाकात इसी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं जल्दी करने वाला हूं। और इसका ये भी एक प्रॉफिट आपको रहने वाला है कि हर 3 क्लास के बाद में आपका डाउट सेशन भी होता है, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका वीकली क्विज, आपका टेस्ट भी लिया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है ये ऑप्शन आपके साथ में आपको ज्वाइन करने का। अब आप कहेंगे सर आप केवल अगर मैं प्रवीण 11 अगर रेफरल कोड यूज़ करूँगा तो क्या केवल और केवल आपका कोर्स मुझे मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर ये कोड रेफरल कोड आप यूज़ करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपकी फैकल्टीज़ हैं यूपीएससी की, जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं, चाहे हम बात करें रोमन की बात करें या फिर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट यूपीएससी में जो आपके फैकल्टीज़ हैं उनकी क्लासेज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके गाइज, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, अनअकैडमी पे। थैंक यू।